मदीना के घरों के अंदर ये बदतमाश दाखिल हुए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखदरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा, हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हजरत शहरबानो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊंट पे बांधा गया और बाकी ऊंटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला ना हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की लाश पे खड़े होके, और वो रौंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बरेखा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, रसूलल्लाह ए प्यारे आका, या जद्दाहो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है, या मोहम्मद आहो। और आगे फरमाया, हुजूर आपकी औलाद काट दी गई। और फिर कहा, बना तो कस सवाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते के अंदर एक जगह आई और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी जमाने में हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के खानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में 1-6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो बदनसीब।